स्थिति में सभी लोग धीरे धीरे पद्मासन की स्थिति में आएंगे। अपने हाथों को दोनों घुटनों पर, उंगलियां इस प्रकार से रहेंगी, घुटने के ऊपर, घुटने के ऊपर। अपर बॉडी स्ट्रेच करेंगे अप टुवर्ड ऊपर के साइड। आइज के आंखों की पुतली में कोई भी गतिविधि नहीं होनी है इस दरमियान, है ना। ये बात आप लोग अच्छे से समझे, आप बिल्कुल स्थिति रहेंगी। जिस दिशा में भी आप आसन में है उस दिशा में आपकी निगाहें सीधी रहेंगी। यदि आप निगाह को इधर या उधर करते हैं तो सामने उसका लाभ पद्मासन का आपको नहीं मिलेगा। जहाँ कहीं भी आप बैठे वहाँ से आप निगाह को सीधे देखें तो आप कैसे करते हैं, चलिए आप बनावटी बन नहीं आ रहा बेटा, बनावटी बन गए वहाँ पर आप रहें समान स्थिति में लंबे समय तक इस पूजा में रह सकते हैं। आ गया और ये जो है आप इन्हें भी प्राप्त रहेंगे सीधे। अब आप इस प्रकार से वापस आ रहे हैं, धीरे धीरे वापस आएंगे, इस प्रकार से वापस आएंगे धीरे धीरे। एक पैर को नीचे रखें। अब हम द्वितीय आसन की मुद्रा में जाएंगे। द्वितीय आसन है आपका पर्वतासन। पर्वतासन की मुद्रा में सभी लोग आए, सभी बच्चे पर्वतासन की मुद्रा में आए। हाथों को धीरे धीरे ऊपर आप ले जाएंगे, झटके से नहीं, धीरे ऊपर जाएगा हाथ। उसके बाद दोनों हथेलियां एक दूसरे से मिल जाएंगी, जिस प्रकार से हम हाथ जोड़ते हैं। और आपके जो कोहनी है दोनों कानों से टच हो, मतलब कहने का ये है आपकी कोहनी में खुलनी नहीं चाहिए। और आप सामने दृष्टि करेंगे, सामने आप देखेंगे यदि किसी की कोहनी आपको सामने जाती है तो आप समझे आकर के आसन का मुद्रा गलत है। कान की वृद्धि गलत रहेगी और पैरों को अब हम सामान्य स्थिति में लाएंगे। पैरों को सामान्य स्थिति में, ये थे आपके बैठ के करने वाले आसन। इसके बाद आपका खड़े होकर जो आसन बताया गया है आपको, वह आसन है आपका ताड़ासन। के लिए आप लोग ताड़ासन की आप मुद्रा में आ जाएं, दोनों पैर आप अपने कंधे के समांतर खोलिए, है ना, या कंधे के समान पैरों को खोलिए जितने आपके कंधे हैं। उसके बाद हम हाथों को दोनों साइड से धीमे धीमे ऊपर की ओर ले जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर की तरफ। फिर उंगलियों को एक दूसरे से लॉक कर देंगे, हाथों को जितना आप ऊपर खींच सकते हैं उतना खींचेंगे। उसके बाद पंजे पे आ जाएंगे। दूसरा, इस आसन को करते समय जब इस मुद्रा में हम होते हैं हमारी आंखें अपने हथेले की ओर होती है, मतलब हल्का सा सर उठाते हैं, हम अपनी उंगलियों को देखने का प्रयास करते हैं जितना कि हम देख सकते हैं, है ना। जितना हम देखा करते हुए इस बात को आप ध्यान दें, यह आसन आपका जो है वापस आ जाए, वापस। अब जो आपका
अगला आसन है वृक्षासन, आपको करना है। वृक्षासन की मुद्रा में आप लोग आएंगे। पहले आप दाएं पैर को उठाएं, दाएं पैर को उठाएं और अपने अपनी जंघा पर हल्के से टच करें। यदि आप वैसा चाहिए तो आपका बैलेंस नहीं हो पाएगा, रखें और दूसरा हाथ को ऊपर ले जाएं और दोनों हाथ एक दूसरे से टच हो जाएं। डॉट लेफ्ट इस मुद्रा में रुके, वापस आए धीरे धीरे, पैर पैर को फ्री करें, पैर उसके बाद हाथ। ये थे आपके खड़े होकर किए जाने वाले आसन। अब आपका जो आसन है वह भुजंग आसन की मुद्रा में सभी आ जाएं। अब आप दोनों हाथ साइड से लेकर पुश करेंगे और अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे और उसके तुरंत बाद अपने सर को उतना ऊपर ले जाएंगे जितना आप ले जा सकते हैं और उस स्थिति में हमें रुकना है कुछ सेकंड। यह आपका भुजंग आसन है। वापस आए, अब आप इसी स्थिति से हलासन की स्थिति में जाएं। वापस आने के लिए पैर आराम से नीचे रखने में कंफर्ट के बाद आगे। इसके बाद हम शवासन में जाएंगे। शवासन अपने शरीर से सारा नियंत्रण छोड़ देंगे, कोई भी नियंत्रण नहीं रहेगा। इस आसन को करते समय शरीर में कोई नियंत्रण नहीं रहता, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए शरीर को, कोई नियंत्रण नहीं। अब आप वापस आ जाए।